हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, आपको समझाएंगे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरम 6.7, जो पिछली क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये आप यूज भी करते हैं एज ए प्रॉपर्टी, आपने छोटे क्लासेस में बहुत बार यूज किया, बट इसको आप प्रूव करके दिखाएंगे। और नाइन्थ क्लास में आ गया तो इस चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं, दोनों थ्योरम्स में से डेफिनेटली एक एग्जाम में जरूर आती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से करें, इसमें कोई गलती ना हो आपसे, अच्छी तरह से समझें। बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट को समझिए कि हम इसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। क्रैमिंग की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। स्टेटमेंट आपको आती है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखी है, हमने इसको क्वेश्चन कैसे आएगा उसको मैं लिखा है, मैंने स्टेटमेंट एज इट इज नहीं लिखी है मैंने, क्यों एग्जाम में अगर आएगा तो आपको प्रूव दैट, आप प्रूव करके दिखाइए, प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ सकता है, और कम से कम तीन या चार नंबर का कई बार क्वेश्चन आता है। दोनों थ्योरम में से एक डेफिनेटली कई बार एग्जाम में रिपीट होती है जरूर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। देखिए स्टूडेंट, हमें गिवन क्या है, हियर नथिंग इज गिवन टू अस, बस ओनली हमें एक ट्राइंगल दी गई है। तो हमें एक ट्राइंगल दे रखी है। थ्योरम्स के जो आप कभी पार्ट देखते हैं तो उनमें आपको जितना इंपोर्टेंट प्रूफ है, यानी आप प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ आपने करेक्ट कर दिया, बट 1/3 मार्क्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न, जो सीबीएसई में आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूं एज ए एग्जामिनर, कि आपको जो 1/3 मार्क्स है वो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, मिनिमम 1/3, हाफ भी हो सकते हैं। जैसे चार नंबर का है तो दो नंबर आपको सिर्फ किसके लिए दिए जाएंगे, राइट करेक्ट गिवन के लिए, करेक्ट टू प्रूव, करेक्ट कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एंड फॉर करेक्ट फिगर। तो चार पॉइंट्स हैं, आधे आधे मार्क्स के आपको दो मार्क्स मिलेंगे अगर चार नंबर का है, और प्रूफ अगर आप सही दे देते हैं तो दो नंबर आपको प्रूफ के मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले गिवन क्या है, आपको एक ट्राइंगल दी गई है, हियर दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। सो गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू, ओनली ए ट्राइंगल इज गिवन टू यू, ट्राइंगल ए बी सी, आपको सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी दे रखी है, तो हम गिवन में वही लिखते हैं टू टू। नाउ आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल में तीन एंगल्स हैं, एंगल ए बी और सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें तीनों एंगल्स का सम 180 दिखाना है, शो करना है हमें कि जो ट्राइंगल में तीन एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। तो यहां पे इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर जरूरत हो हम कंस्ट्रक्शन जरूर करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन इसलिए करते हैं कि उसको मैथमेटिकली हमको रीजनिंग दें, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है पैरेलल लाइंस के बारे में, 6.2 में हमने क्लियरली पढ़ा है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं तो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो उन्हीं का यूज करेंगे हम, यहां ए में से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम वर्टेक्स ए। कंस्ट्रक्शन में देखिए आप, वर्टेक्स ए में से एक लाइन है एक्स वाई, हमने एक एक्स वाई लाइन ली है जो पैरेलल है बीसी के, तो वर्टेक्स ए ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहां पे, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन की है कि हम पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज कर पाए यहां पे। तो फ्रेंड्स, हमने ये लाइंस पैरेलल ली हैं, दोनों पैरेलल लाइन होंगे तो हमें पता है ऑल्टरनेट एंगल इसके इक्वल होंगे, तो यहां पे इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। और प्रूफ, अब प्रूफ में आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये जो एंगल मैं ले रहा हूं
ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मैं इसको एंगल वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको एंगल टू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्लियरली यहां पे लिखिए पहले बिकॉज एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर एक्स वाई और ये पैरेलल हैं तो एंगल वन और टू बराबर होंगे। रीजनिंग आप जानते हैं, फोर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू और रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम जानते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब दूसरी साइड पे आ गया, ऐसे ही इधर आप लेंगे ये एंगल थ्री और ये एंगल फोर। सिमिलरली थ्री और फोर भी इक्वल होंगे, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, रीजन सेम होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब आप देख रहे हैं कि एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑल्सो एक्स ए वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनता है हमें पता है, उसके ऊपर कितने भी एंगल्स बनाएंगे आप, सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के एंगल को ही बोलते हैं हम। सो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसको मैं एंगल 5 लिख देता हूं, 1 + 5 + 3 एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। नाउ पुट कर दीजिए वैल्यूज, एंगल 1 की जगह हम पुट कर देंगे 2 एंड 5 एज इट इज रखेंगे, क्योंकि 5 तो ट्रायंगल का एंगल है एंड 3 ट्रायंगल में नहीं आता, देखिए 1 और 3 ट्रायंगल में नहीं आ रहे हैं। हम देख रहे हैं 1 और 3 ट्रायंगल से बाहर है, इनको रिप्लेस करना है। 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, 3 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। तो यहां पे एंगल 1 हमें पता है 2 के बराबर है प्लस 5 एज इट इज और 3 एंगल किसके बराबर था, एंगल 3 4 के बराबर है। यहां 4 को रिप्लेस कर दीजिए इससे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 प्लस देखिए यहां पे 2 प्लस 4 प्लस 5 यानी इन तीनों एंगल्स का सम 180 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द प्रूफ, देखिए यही हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 भी होगा आपका, हेंस इट इज प्रूफ। तो फ्रेंड्स हमने ये एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ दिया आपको और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हमने इसमें कंसेप्ट जो यूज किए हैं वो एक तो पैरेलल लाइन का, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने पड़े, कंस्ट्रक्शन हमने इसलिए की ताकि लाइन्स पैरेलल हो हमारे पास। एक लाइन हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी है, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर हमने स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट यूज किया क्योंकि 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर हमने देखा कि 1 और 3 ट्रायंगल में नहीं आते हैं, 5 ट्रायंगल में आ रहा है, तो 1 को रिप्लेस कर दिया हमने 2 से और 3 को रिप्लेस कर दिया 4 से। तो यहां पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो है जो 3 एंगल्स है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। नाउ स्टूडेंट्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए आप सभी इस थ्योरम की जो प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।